हिमाचल के खिलाड़ी विषम परिस्थितियों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को हैरत में डाल रहे हैं। उनकी इस प्रतिभा को देखकर अन्य राज्यों के संपन्न खिलाड़ी भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा सोलन की बेटी प्रिया कुमारी थापा ने कर दिखाया है, जिसमें प्रिया ने राष्ट्रीय स्तर की कूडो मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। प्रिया अपनी इस जीत से बेहद खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैया के कारण वह बेहद चिंतित भी है। प्रिया का मानना है कि अगर सरकार उन्हें सुविधाएं दे तो वह प्रदेश का नाम देश में नहीं बल्कि विश्व में भी रोशन करने के लिए सक्षम है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकें। वही खुशी जाहिर करते हुए प्रिया कुमारी ने बताया कि वह बेहद खुश है कि वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में दो गोल्ड मेडल लेने में कामयाब रही है। प्रिया ने बताया कि उनकी फाइट बेहद मुश्किल रही, लेकिन उनकी मेहनत और कोच द्वारा सिखाई गई तकनीक के कारण वह राजस्थान और कर्नाटक की खिलाड़ियों को हराने में कामयाब रही है। प्रिया ने बताया कि देश के लिए खेलना उनका सपना है, जिसके लिए वह जी तोड़ मेहनत कर रही है। उनके कोच अजय जसवाल उन्हें कूडो की बारीकियां सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल में हमेशा पैसे का अभाव रहता है, इसलिए अगर सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे और उन्हें सुविधाएं प्रदान करे तो वह देश का नाम अवश्य रोशन करेंगी। मेरा कंपटीशन काफी टफ रहा और ये मेरा फर्स्ट नेशनल रहा कूडो का, तो इसमें मैंने दोनों कैटेगरी में अपनी गोल्ड मेडल जीता है, इससे मुझे बहुत खुशी है। हाँ जी सर, ये फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट नेशनल था और फर्स्ट नेशनल में मैंने दोनों कैटेगरी में अपना गोल्ड मेडल जीता है सर, मेरे को बहुत खुशी है इस बारे में। सर टारगेट तो है कि इंडिया खेलना है सर। सर टफ इसलिए रही क्योंकि मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं था। वैसे मैंने प्रैक्टिस तो कर रखी सर और गेम्स भी खेली है, पर कूडो मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा गेम का एक्सपीरियंस नहीं था और रूल्स वगैरह क्लियर नहीं थे, मतलब गेम के अंदर कैसे खेलना है कॉम्पिटिशन के अंदर, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत रही। पर सर जब फाइनल तक पहुंची और सेकंड कैटेगरी खेली तो तब तक मेरी गेम क्लियर हो चुकी थी, रूल्स भी क्लियर हो गए थे, तो उस वजह से सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो फाइनल्स रहे वो मेरे राजस्थान के साथ रहा और जो नेशनल था वो उसमें कर्नाटका के साथ फाइनल हुआ सर। सर सारी प्रैक्टिस और वो तो हम कर लेंगे सर, पर जो कोचिज है उनके मार्गदर्शन के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से, उसके लिए तो मेरे जो कोचिज है, जो मेरे गुरुजी है, उनकी मुझे हेल्प रही और जो मेरे साथ के जो मेरे पार्टनर्स है जो प्रैक्टिस करवाते हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उनका योगदान ज़्यादा रहा है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा सर वो इसीलिए करता है कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जॉब करें हम अच्छे उस पर, कि जिससे हम प्रैक्टिस भी कर सकें, जिससे हमारी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना हो। सबसे मेन बात सर ये है कि हमें मनी की प्रॉब्लम रहती है, वो दिक्कत उससे दूर हो जाएगी सर। अभी तो जो हमारी एकेडमी है सर उस वो अपने दम पर ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैट करवा रहे हैं सर। अगर हमें सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलती है तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होगी सर, क्योंकि सर इतने ज़्यादा मनी तो नहीं है सर हम लोगों के पास कि हम इतना अफोर्ड कर पाए, पर जितना है सर हम उस पर कर रहे हैं, पर ये है कि सरकार अगर हमें हेल्प करेगी तो हम आगे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं कूडो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय जसवाल ने बताया कि वह बेहद खुश है कि 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल ने 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। यह हाल केवल इसी खेल का नहीं है बल्कि ज्यादातर गेम्स का यही हाल है। उन्होंने कहा कि अभी एकेडमी ही अपने स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान नहीं करेगी तो खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ देगी, इसलिए सरकार को खिलाड़ियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरा नाम अजय जसवाल है और मैं कूडो हिमाचल का प्रेसिडेंट हूँ। अभी जैसा आप लोगों को मालूम है, हमने सोलन के ग्रीन हिल्स कॉलेज में 11th कूडो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया और फर्स्ट कूडो फेडरेशन कप जो हमारी फेडरेशन ने आयोजित की थी उसका आयोजन किया, जिसमें हिमाचल के लगभग 33 बच्चों ने भाग लिया और जिसमें से हमें 18 से ज़्यादा मेडल आई थिंक मिले हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे बच्चों ने। कई बच्चे तो फर्स्ट टाइम खेले थे और जिसमें से हमें 5 गोल्ड और 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम को मिले हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है हिमाचल के लिहाज से। इतनी छोटी स्टेट को इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना कोरोना काल में और बहुत अच्छा रहा है, और बच्चों से मुझे उम्मीद है कि वो और भी अच्छा करेंगे। सरकार हमें और सुविधाएँ देती हैं, सरकार इस खेल की तरफ ध्यान देती है
तो हमें पक्की उम्मीद है कि हम और भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। अब जो हमारे बच्चे नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं तो नेशनल हमारा दिसंबर में मार्च में होगा 2022 में। उस नेशनल को खेलने के बाद जो बच्चों की सिलेक्शन होगी वर्ल्ड कप टोक्यो 2022 के लिए होगी, जो मई में होगा जापान में, तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे उसमें भी सेलेक्ट होंगे और भारत के लिए ज़रूर वर्ल्ड कप से मेडल लेकर आएंगे, जिसकी हमारी फेडरेशन को भी बहुत उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस खेल की तरफ ध्यान दे, बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी बच्चों को बहुत कमी है जिसको हम अपनी स्तर पर दूर करने की कोशिश करते हैं, जो हम सुविधाएं दे पाएँ, जैसे मैट किट्स और इसके हेड गियर वगैरह गार्ड्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो लेकिन फेडरेशन जहाँ तक कर पा रही है वहाँ तक कर रही है। अगर सरकार का सहयोग होगा तो बच्चे और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये समझता हूँ कि जब तक प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाएंगे। अब एक अगर कहीं हम छोटे डिस्ट्रिक्ट में सिखा रहे हैं, वहाँ पर अगर बच्चों का मैट नहीं होगा, वो मैट पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्रैपलिंग नहीं होगी, थ्रोइंग नहीं होगी और रोलिंग टेक्निक्स नहीं होगी और ब्रेकफॉल्स नहीं होंगे, तब तक बच्चों को उस कंपटीशन में जाके अचानक एकदम से उस चीज़ के साथ इंटरव्यू, वो बच्चे हार जाते हैं उस कंपटीशन में जाके, क्योंकि उन लोगों को प्राथमिक स्तर पर वो सुविधाएं नहीं मिली होती हैं जो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस लेवल पर उनको खेलना होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर ये हमारी सुविधाएं नहीं हम बच्चों को दे पाएंगे तब तक वो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस लेवल के लिए। हाँ, हमने देखा है हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं, हर DSO की तरफ से हर स्टेट में मैट्स उपलब्ध कराए गए हैं, बच्चों को किट्स उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा अभी तक नहीं है। और हम भी चाह रहे हैं कि हिमाचल सरकार इसकी ओर ध्यान दे और हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से गर्ल्स के लिए फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वुमेन सेल्फ डिफेंस का हम सेंटर चला रहे हैं। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।